महाराष्ट्रातील वाशी कणे मोजे गावातील हजारो नागरिक अडकले पुराच्या पाण्यात. एनडीआरएफ कोस्टल गार्ड पथक घटनास्थळी दाखल. जिल्हाधिकारी यांनी दिली माहिती. जिल्ह्यात मुसळधार पावसाने सगळीकडे पाणीच पाणी साचले असल्याने पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यातील पेण तालुक्यातील वाशी कणे मोजे या गावात पाणी घुसले असून नागरिक पाण्यात अडकले आहेत. अडकलेल्या नागरिकांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू करण्यात आले असून एनडीआरएफ व कोस्टल गार्ड पथक घटनास्थळी दाखल झाले आहे अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ सूर्यवंशी यांनी दिली आहे. पेण तालुक्यात सर्वाधिक 493 मिलीमीटर पाऊस पडला असून तालुक्यात पूर आला आहे. तालुक्यातील वाशी कणे मौजे या भागात पावसाचे व समुद्राच्या भरतीचे पाणी गावात घुसल्याने हजारो नागरिक पुराच्या पाण्यात अडकून पडले आहेत. त्यांना सुरक्षित काढण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू करण्यात आले असून एनडीआरएफ व कोस्टल गार्ड पथक घटनास्थळी दाखल झाले आहे. अडकलेल्या गावातील नागरिकांना बोटीच्या सहाय्याने सुरक्षित स्थळी काढण्याचे काम सुरू झाले आहे. तर नागोठणे येथे अडकलेल्या नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवून त्यांच्या राहण्याची व जेवण्याची सोय करण्यात आली आहे असे जिल्हाधिकारी डॉ विजय सूर्यवंशी यांनी सांगितले. महावाईसाठी किरण बाथम रायगड. फाइव एनडीआरएफ से सब इंस्पेक्टर एलएन झा सुदम्बरे से यहां आया हूं. यहां के प्रशासन द्वारा बुलाया गया है जो रायगढ़ के पेन तहसील में दो गांव के कुछ पब्लिक जो है वो फंसा हुआ है उसे रेस्क्यू करके बाहर लाना है. तो हम अभी तक जो है वो टोटल 22 रेस्क्यू कर चुके हैं ऑलरेडी. कने गांव से 22 में मेल है दो, फीमेल 15 और चाइल्ड हैं बाकी. तो ये अभी तक रेस्क्यू हो गया है और रेस्क्यू काम का 3 बोट लगे हुए हैं जिसमें 2 बोट ओवीएम के साथ लगा हुआ है और 1 बोट विदाउट ओवीएम का लगा हुआ है जो नज़दीक का हम रेस्क्यू कर रहे हैं. करीबन अभी कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं क्या बताएंगे? जो प्रशासन के अनुसार अभी बता रहे हैं कि कने गांव के जो लास्ट यहां से लगभग 2.5-3 किलोमीटर आगे है वहां पे प्रशासन ये बता रही है कि 60 के लगभग हैं. तो जिसमें हम जिसको भी बुला रहे हैं उसमें लेडीज प्रियोरिटी जो दे रहे हैं, लेडीज बच्चे और ओल्ड एज के पहले. तो उसके अनुसार अभी तक रेस्क्यू किया है. बाकी और भी हैं तो बोट अभी दोबारा गया है और उनको लेके आए. अभी पानी के बारे में क्या जानकारी मिल रही है प्रशासन की तरफ से? पानी के बारे में अभी हाई टाइड का टाइम था 2:30 बजे जो हाई फ्लो में आना था तो वो लगभग 2:30 बजे अभी 3 से क्रॉस कर गया है. तो मुझे उम्मीद है कि अभी लो टाइड में जाएगा पानी. तो जितना भी अभी तक बढ़ चुका है उसके अलावा अभी नीचे ही होना चाहिए हमारा जो आइडिया है और जो प्रशासन के हिसाब से बता रहे हैं. ओके, धन्यवाद सर.